क्वेश्चन नंबर 19 को, यहाँ पे देखिए dx बाई एक्स का पावर 4 बट माइनस 1, यही ना दिया है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ 1 बटा में मैं इसे x के स्क्वायर का स्क्वायर और फिर माइनस 1 के स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ ना जी। चलिए नीचे फॉर्मूला लग जाएगा, 1 बाई यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और फिर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। फिर अब देखो इसे और इसे भी तोड़ सकते हैं हम लोग एक बार माइनस प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन और इंटू में एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन ही होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। अब यहाँ पे मानते हैं लेट 1 बाई एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर में ए बटा एक्स माइनस वन, ठीक है, और प्लस बी बटा एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। चलिए अब देखिए इधर हम लोग एलसीएम लेते हैं, 1 बटा में एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन, इधर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इसमें इसे डिवाइड करेंगे, यह दोनों जाके ऊपर इंटू करेगा, ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वन और इंटू में एक्स प्लस वन, यही ना होगा, तो पहले मैं एक्स प्लस वन को ही लिखता हूँ, एक्स प्लस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन और फिर प्लस इसमें डिवाइड करेंगे, यह दोनों जाके ऊपर इंटू करेगा, बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन और इसके साथ ये डिवाइड करेंगे इसमें, तो यह दोनों जाके ऊपर गुना करेगा, सी एक्स प्लस डी इंटू में एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, नीचे से यह नीचे पूरा कट जाएगा, वन बराबर में हो जाएगा ए इंटू एक्स प्लस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी इंटू में एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस में सी एक्स प्लस डी इंटू में एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है हमें। चलिए अगर मैं यहाँ पर x बराबर वन पे चलूँ, x बराबर वन रखने पे देखो क्या होगा, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 1 2 2 2 4 हो जाएगा और ये देखो 1 रखने पे 0, यहाँ भी 1 रखने पे 0, सारे 0 होगा, तो 4a बराबर में 1 आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा 1/4, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4। अच्छा x बराबर में अगर मैं माइनस 1 की बात करूँ तो माइनस 1 रखने पे यह भी 0, माइनस 1 रखने पे यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये सारा 0, यहाँ देखो माइनस 1 रखने पे माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, तो माइनस फोर बी बराबर में वन, यानी कि b का वैल्यू जो आ जाएगा माइनस का 1/4 आ जाएगा, समझ रहे ना। अब हम लोग बात करते हैं सी एक्स सी और d के वैल्यू के बारे में, तो अगर मैं इसमें x की जगह 0 ले लूँ, एक्स बराबर मैं 0 पर चलूँ, तो 0 लेने पे देखो यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, a बचेगा, ठीक है। 0 अगर लूँगा तो यहाँ देखो माइनस का 1 और यहाँ 0 लूँगा तो प्लस का 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 इंटू करेगा माइनस b हो जाएगा, चलिए माइनस का b हो जाएगा। अच्छा 0 रखूँगा तो यह गायब हो जाएगा, यहाँ गायब हो जाएगा, सिर्फ d बचेगा, 0 रखने पर यहाँ माइनस का d आ जाएगा, है ना जी, माइनस का d और बराबर में ये कांस्टेंट 1 ऐसे रह जाएगा, समझ रहे ना। चलिए तो a b का वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो a का वैल्यू 1/4 माइनस बी का वैल्यू 1 माइनस का 1/4, तो यहाँ प्लस 1/4 हो जाएगा और माइनस डी बराबर में 1, तो ये 1/2 होगा जोड़ के, और 1/2 1 में से घटेगा तो माइनस डी बराबर में आपका क्या आ जाएगा 1/2 आएगा, 1/2 यानी कि डी बराबर में माइनस का 1/2 आ गया, ठीक है। अच्छा डी भी निकल गया, अब बचा सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, क्या निकालने के लिए ना एक्स बराबर 2 पर देख लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा उस पर x बराबर 2 पर हो जाएगा, x बराबर 2 पर, है ना, ऐसे तो कंपेयर करके भी हो सकता था लेकिन ऐसे भी देख सकते हैं, 2 रखोगे यहाँ तो 2 1 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 2 1 3 और 2 का स्क्वायर 4 1 5, तो 5 3 15 है, ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 में से 1 आएगा, यहाँ 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 1 5 हो जाएगा, तो 5b हो जाएगा, 5b हो जाएगा,
और प्लस 2c+d, यहाँ देखो 2c+d दो रख रहे हैं ना, दो में से एक गया एक, ये कोई मतलब नहीं, इंटू में है तो दो एक तीन हो जाएगा, इंटू में 3 बराबर में 1, यानी कि 15a+5b+6c और +3d बराबर में 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं। ए की बात करते हैं, ए का वैल्यू है 1/4, 15 × 1/4 प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है आपके पास माइनस का 1/4 प्लस 6। सी का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू क्या है, तो डी का वैल्यू है 1/2, -1/2 बराबर में 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 15/4 -5/4 और -3/2, ठीक है, और प्लस में 6c बराबर में 1। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ इन सबको एलसीएम ले ले, क्या एलसीएम ले लेते हैं, 4 15 माइनस 5 माइनस, इसमें इसे भाग करेंगे 2 × 3 = 6 हो जाएगा, प्लस 6c बराबर में 1 हो जाएगा। देखो 6 × 5 = 11 और 15 में से 11 गया 4/4 प्लस में 6c बराबर में 1, कट गया 1, 1 में से 1 गया 0, 6c बराबर 0, यानी कि c का वैल्यू 0/6 यानी 0 आ जाएगा। चलिए हम लोग अब अपने क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करते हैं। हमें निकालना था इंटीग्रेशन ऑफ 1/ में क्या है, x−1 × x+1 × x²+1 dx, इसी का नाम है इंटीग्रेशन निकालना है। देख लीजिए ऊपर, यही था आपके क्वेश्चन में, यही ना है, हमें इसी का निकालना है, तो इसके बराबर में हम लोग यह लिखे हैं, तो इसी को लेकर हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए क्या होता है, a/x−1 dx प्लस b/x+1 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cx+d/x²+1 dx। चलिए a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू आपका देखो यहाँ पर, a का वैल्यू निकालो 1/4, b का -1/4 और d का वैल्यू -1/2 और c का 0 आया है। 1/4 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1x−1 dx और b का वैल्यू -1/4 बाहर निकालिए, बटा में x+1 dx। चलिए c का वैल्यू तो 0 है, तो ये तो टोटल 0 हो गया, d का वैल्यू क्या है, -1/2, तो माइनस यहाँ आ जाएगा 1/2। देखो ये c का वैल्यू 0 था, ये गायब हो गया, बस d वाला बचा, तो d का वैल्यू 1/2 और बटा में x²+1 dx, यही ना हो जाएगा आपका, समझ गए ना, c तो 0 था तो यहाँ रख दिए, तो ये गायब हो गया, बच गया d, d का वैल्यू 1/2 बाहर निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं, ये माइनस का 1 है, चलिए क्या हो जाएगा, 1/4 log x−1 − 1/4 log x+1 −1/2 tan inverse x प्लस में c, यही ना होगा, तो देखो ये माइनस में है तो 1/4 यहाँ कॉमन कर लेते हैं, दोनों जगह कॉमन है, अच्छा तो log x mod x−1 माइनस log x+1, ठीक है, और −1/2 tan इनवर्स x+c, तो ये माइनस में है तो डिवाइड में चला जाता है ना जी, क्या हो जाएगा 1/4 log x−1 / x+1 −1/2 tan इनवर्स x+c, इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह